Hello guys, as you know, in the previous videos we have discussed that there was a political system that is known as apartheid. This system was running in South Africa in 1994, but Nelson Mandela against this system. At last he had to face many types of difficulties. He had to go in prison and he had to spend many years in prison. That is long walk to freedom. At last he succeeded. He became first president of South Africa. Okay, तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे जो मैं स्टोरी बताने चल रहा हूँ. अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. इस स्टोरी में बताया गया है कि इस पूरी कहानी में एक अपार्थीड एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें होता क्या है, लोगों को उनके जात के आधार पे अलग कर दिया जाता है. आप ब्लैक हो, आप व्हाइट हो, आधार है समझ में. तो यहाँ पे अब बात आ रही है कि अगर अपार्थीड ये सिस्टम था तो कहाँ पे था, ये साउथ अफ्रीका में था. ये सिस्टम कहाँ पे था, साउथ अफ्रीका में था. ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बताओ आप लोग मीन्स द रीडर्स मीन्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ, Have you ever heard about Nelson Mandela? Your writer asks a question. And his African National Congress. और इतना ही नहीं, ये बताओ कि आपने Nelson Mandela के बारे में कभी सुना है? क्या आपने कभी अफ्रीका के राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सुना है? Spend a lifetime fighting against apartheid. इन्होंने क्या किया? एक अपनी पार्टी बनाते हैं और नेल्सन मंडेला और उनकी एक पार्टी होती है जिसका नाम होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. नेल्सन मंडेला और कौन है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ओके, आप देखते हैं नेल्सन मंडेला और इनकी पार्टी जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों मिलकर के इस सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाते हैं. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन. नेल्सन मंडेला को ये सिस्टम समाप्त करने के लिए 30 इयर्स तक प्रिजन में बिताना पड़ा, जेल में रहना पड़ा. Finally, democratic election were held in South Africa in 1994. और लास्ट में होता क्या है, 1994 में democratic election होता है. ठीक है, बात को समझेंगे. सबसे पहले क्या होता है, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम होता है. अपार्थाइड क्या होता है, वहां के लोगों को उनके रेस के अकॉर्डिंग पे डिवाइड कर दिया जाता है. अब यह सिस्टम नेल्सन मंडेला को अच्छा नहीं लगता, तो नेल्सन मंडेला और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इस सिस्टम के अगेंस्ट में जाते हैं और इनको नेल्सन मंडेला को 30 इयर्स तक 30 वर्षों तक जेल में रहना पड़ता है इस सिस्टम के विपरीत होने की वजह से. जब इस सिस्टम का ये विरोध करते हैं तो उस समय का सिस्टम जो था इनको इस सिस्टम के विरोध की वजह से 30 वर्षों तक जेल में डाल देता है. और लास्ट में वो 1994 में इलेक्शन होता है और पहली बार एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन. और पहली बार 1994 में इनको क्या किया जाता है, पहली बार ब्लैक अफ्रीका के ब्लैक लोगों में से ये प्रेसिडेंट बनते हैं. If a question is asked by someone that who was the first president in South Africa in black race, then answer will be Nelson Mandela. In the extract from his autobiography, उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी है जिसे ये जो हम देख रहे हैं Long Walk to Freedom, this is autobiography written by Nelson Mandela. Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. एक सेरेमनी के बारे में बोलते हैं, इनाग्रेशन के बारे में बोलते हैं, उद्घाटन के बारे में बोलते हैं. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with
the news item from the BBC of 10th May 1994 को ये पहली बार अफ्रीका में ब्लैक रेस में से प्रथम प्रेसिडेंट बनते हैं अफ्रीका के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक। नेल्सन मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी नेल्सन मंडेला पहली बार यानी 10 मई 1994 को अफ्रीका के काले लोगों में से पहली बार ये क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। उसके पहले राजनीतिक सिस्टम में सिर्फ व्हाइट पीपल को ही अलाउड था। ओके, किसको अलाउड था, व्हाइट पीपल को। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। थ्री सेंचुरी तक सिर्फ व्हाइट पीपल ही हुआ करते थे। मिस्टर नेक्स्ट थिंग इज दैट मिस्टर नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ओन 252 of 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। ध्यान देंगे, पहली बार साउथ अफ्रीका के पूरे इतिहास में पहली बार 10 मई 1994 400 वोट पड़ते हैं जिसमें से उनको 250 वोट मिल जाते हैं, जबकि ये ब्लैक पीपल रहते हैं अफ्रीका के। तो यहाँ पे बताया जाता है मिस्टर नेल्सन मंडेला नेशनल कांग्रेस पार्टी ओन 250 ऑफ 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। कितनी सीटें कुल टोटल 400 सीटें थी, कितनी सीटें थी 400 सीटें थी, और इन 400 सीट में 250 सीट्स किसको मिलते हैं, नेल्सन मंडेला को मिलते हैं। बताइए समझ में, पहली बार साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में ऐसा होता है। नेक्स्ट, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 सेंचुरीज अराउंड द वर्ल्ड। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय वन अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन एड्रेस व्हेन ही was addressing to the people of Africa at that time. He said something, okay? So today I have completed your summary of this chapter. So students, today your homework is that you should create minimum 10 questions from this short summary and you should write also your answer. Create this 10 question and write their answer also.